Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good day, students. Today we are going to start a topic on human targets. पिछले टाइम में हमने पढ़ा था ह्यूमन गोल्स क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए. आज है कि आप आज के प्रेजेंट डेट में अपने इंडिविजुअल्स ने हमारा टारगेट क्या हो गया है. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मी और यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सो ये 8 पॉइंट्स जो फर्स्ट सेकेंड रो के हैं का है वो तो पिछले टाइम जैसे ही है. दैट वॉज अ ह्यूमन गोल्स. टारगेट में हमने ये आज ऐड किया हुआ है 4 पॉइंट्स. अजम्पशन, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग. इसको ख़त्म हो गया समझो कि अगर आज का टारगेट हो गया कि हम अजम्पशन करते हैं कि हमारे पास पैसा है, पैसा ही सब कुछ है, वी कैन बाय हैप्पीनेस विद मनी एंड एवरीथिंग अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड. सो बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारे ह्यूमंस इसी के पीछे भाग रहे हैं. पैसा, सोसाइटी में स्टेटस मिलेगा, हमारे पास गाड़ी आएगी, हमारे पास बड़े घर हो गए. इंडिविजुअल्स के पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आदमी के पास अगर एक घर की टारगेट पूरा होता है तो दूसरा टारगेट ऑटोमेटिकली उसके पास आ जाता है. आज की डेट में देखें तो बहुत सारे जनों के पास मतलब अबाउट 30% के ज़्यादा के पिया एक रिसर्च पेपर में दे हैव सेकेंड होम्स वर्ल्ड वाइड. मतलब एक घर में आपकी उसकी नेसेसिटी पूरी हो जाती है, आपका पूरा चल सकता है, लेकिन आपके पास पैसा इतना है कि आपने सेकेंड होम में इन्वेस्ट कर दिया, आपके पास प्रॉपर्टी है, ले रहे हो ईच एंड एवरीथिंग. मनी के पीछे एक गाड़ी है लेकिन रहने वाले आप दो ही जन हो, तो आपके पास 3 से 4 गाड़ियां हैं. 2 आर इन स्पेयर पार्ट, स्पेयर में खड़ी हुई है, दूसरी 2 को आप यूज़ कर रहे हो. तो पब्लिक इसका अजम्पशन ये है कि मनी इज़ एवरीथिंग, स्टेटस शो करना चाहते हैं. आज की डेट में सोशल मीडिया पे अगर हम देखें तो पब्लिक के यही चीज़ें दिखाते हैं, मनी के वो फोकस करता है कि हम ये करेंगे तो ऐसा होगा, हमको पैसा कमाने का शॉर्टकट तरीका भी बताया जाता है. बहुत सारे जन उस टाइम पैसा कमाने के चक्कर में वो स्कैम्स के भाग पार्टिसिपेट हो जाते हैं, कोई टारगेट विक्टिम हो जाता है. सो ईच एंड एवरीथिंग मनी एक हमारी लाइफ को करप्ट कर रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग्स को ख़त्म कर दे रहा है. हम सिर्फ मनी के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज हार्मिंग अ इंडिविजुअल लेवल. ये एक आदमी को खुद के लेवल पर सोसाइट खराब कर रहा है, उसका उसकी प्रोस्पेरिटी, उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी, उसकी नेबरहुड्स, उसकी को साथ में कोई एग्जिस्टेंस में कुछ लेना देना नहीं है. उसका जो भी है ये खुद का पर्सनल गोल है, वो पर्सनल गोल के ही पीछे पड़ा हुआ है. एक्यूमुलेशन बाय एनी मीन्स, एक्यूमुलेशन भी यही मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जमा करना चाहते हैं. अगर हम बोले कि कोई चीज़ की क्राइसिस होने वाली है, हमारी रिक्वायरमेंट तो एक ही किलो की होगी पर या तो 2 किलो की होगी, लेकिन जब एक्यूमुलेशन की बात आती है तो स्कैसिटी की बात आती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने को सोचते हैं. वैसे ये तो स्कैसिटी की बात है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में जब स्कैसिटी नहीं भी होती है तो हम उसे जो पैसे जैसी चीज़ है, गोल्ड है, ज्वेलरीज है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल्स हैं, सिर्फ स्टेटस के लिए, अपना स्टेटस अपग्रेड करने के लिए हम कुछ भी रास्ता अपना सकते हैं. एक रील चल रही थी कि आईफोन्स 14 या 13 के टाइम पे चाइना में एक आदमी ने रील के अपनी किडनी बेच दिया था जस्ट फॉर अ फोन. वो एक स्टेटस सिंबल को अपग्रेड कर रहा था. आज की डेट में यही चल रहा है कि पीपल आदमी से मजाक उड़ा रहे हैं कि आईफोन खरीदने के लिए इतना कॉस्टली फ़ोन है, अपनी किडनियाँ बेच रहा है. दे आर सेलिंग द पार्ट्स ऑफ देयर ऑर्गन्स टू गेट अ फोन जस्ट टू अपग्रेड देयर स्टेटस इन द सोसाइटी. और बाय टू जस्ट कि आप उसके दोस्तों के बीच में उसके पास पहला आईफोन आया है तो वो अपना स्टेटस अप रखना चाहता है. सो ये प्रॉस्पेरिटी के नहीं है, ये कॉम्पिटिशन अब सेल्फ क्रिएटेड है. कि दोनों पॉइंट्स सेल्फ रिलेटेड है. एजम्पशंस ऑफ मनी है सब कुछ, और बाय एनी मीन्स मैं सिर्फ जमा करना चाहता हूँ. बहुत सारे जन ब्लैक मनी जमा करते हैं कि सब कुछ होता है, ब्लैक मनी का ट्रांसफ़र होता है कहीं पे भी.
तो ये सब एक्यूमुलेशन है कि उनके पास स्कैर्सिटी कभी ना है, उनकी फैमिली सुख में रहे। तो ये सिर्फ प्रोस्पैरिटी के अंदर है, लेकिन ये इंडिविजुअल पार्ट्स के लिए है। ये फैमिली को अवेयर भी नहीं होगे कि आप क्या कर रहे हो। डोमिनेटिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फियर, डोमिनेटिंग फैक्टर आज की डेट में बहुत ज़्यादा है कि जो आदमी स्टेटस अपग्रेड करता है तो वो डोमिनेट भी करना चाहता है दूसरे को कि हाँ मैं वॉट एवर आई एम सेइंग इज राइट। एक्सप्लॉयटेशन भी होता है कि अगर मैंने को किसी को नॉलेज नहीं है मैं उसे एक्सप्लॉयट कर रहा हूँ, मैं उसे सही चीज़ नहीं बता के दूसरा रास्ता बता रहा हूँ, मैं उसके लिए कुछ हाइप कर दे रहा हूँ, हाइप बना दे रहा हूँ, उसके प्रोडक्ट्स की प्राइजेस इंक्रीज कर दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें से पब्लिक सोसाइटी एक्सप्लॉयड होती है। एक प्राइजिंग फैक्टर है कि मेरे क्लोज के लिए अलग प्राइजिंग है, दूसरों के लिए अलग प्राइजिंग है। सो दैट इज़ वॉट वी कॉल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फियर। हमारे अंदर फियर भी है कि अगर आज की डेट में हमारी कोई फीमेल्स बाहर जाएंगी रात के टाइम पे द सोसाइटी इज़ नॉट गुड, वो वापस आएंगी कि नहीं आएगा, समथिंग विल हैपन टू देम, दे विल बी नॉट सेफ इन द नाइट। सो दैट इज़ अ फियर दैट इज़ क्रिएटेड इन अ सोसाइटी। To avoid that fear, a human should accomplish their goals. To वो fearlessness, trustworthiness खत्म हो चुका है जो कि सोसाइटी में आज की डेट में नहीं है। That is the human targets. अगर ये सब चीज़ें हट जाएगी तो it will be a peaceful society, जहाँ पर हम रात को भी easily घूम पाएंगे without fear, without being feared of being robbed or being kidnapped by someone. So dominating factor, exploitation and fear is what we is related to the society. Mastery of exploitation. आज की डेट में हम ग्लोबल वार्मिंग है, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट है, एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप्स भी आ गए हैं आज की डेट में, जो हर कैटेगरी में अलग है, हॉर्स के लिए अलग है, काउस के लिए अलग है, कैट्स के लिए अलग है, पेटा एक अलग फॉर्मेशन है, कैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, डॉग फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें हैं ना एनिमल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए आई हैं। क्यों दे रही हैं? क्योंकि ह्यूमंस अपना काम नहीं कर पा रहे हैं बराबर। अगर वो इन चीज़ों को एक्सप्लॉयट ना करें, अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को ना ख़त्म करें, जैसे कि पेड़ काटा जा रहा है, डीप माइनिंग हो रही है, रिवर में से सैंड निकाला जा रहा है अबव द कोटा अलॉटेड, क्योंकि वो सब सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर आज की डेट में हमने कुछ ज़्यादा माइनिंग कर दी, कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज निकाल दिए, तो इसका इफेक्ट हमारे प्लानट को पड़ेगा और डायरेक्टली हमको पड़ेगा। सो दैट इज शुड बी अवॉइडेड। हम की हमारा एग्जिस्टेंस उनके साथ नहीं है। हर एनिमल एक अपना रोल अदा करता है इस वर्ल्ड में और वो साथ ही में रहता है। अगर वो एक चिड़िया एक बर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, इट कैन क्रिएट सम एडवर्स इफेक्ट ऑन अस। किसी ऑथर ने ये कहा है कि अगर सेलफोन टावर से मधुमक्खियाँ मरती हैं, अगर सारी मक्खियाँ मर जाएंगी तो उसके एक साल के अंदर ह्यूमन रेस भी ख़त्म हो जाएगी। सो इसका ये कहने का मतलब था कि वो एग्जिस्टेंस और को एग्जिस्टेंस दोनों के साथ में है, वेदर इट्स अ ह्यूमन और एनिमल्स। वी शुड लिव टुगेदर इन अ पीसफुल सोसाइटी एंड वी शुड चेंज आर टारगेट्स। वी शुड बी टूवर्ड्स ओरिएंटेड टूवर्ड्स ह्यूमन रेस and coexistence with all the non-living things also. Human targets ko change karne ki zarurat hai. And we will jump to the next unit, the next tomorrow itself. Bye, have a good day, meet you soon.